क़यामत से पहले जो निशानिया जाहिर होंगी उनके बयान में आपको मैंने हवा का भी बताया आग का भी बताया और धुएं का जिक्र भी किया मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी ताला त से रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के कत्ल होने के सात बरस बाद यानी दज्जाल के कत्ल के बाद सात बरस तक लोग इस हाल में रहेंगे कि दो आदमियों में जरा सी भी दुश्मनी नहीं होगी फिर मुल्क के शाम से एक ठंडी हवा चलेगी मुसलमान ईमान वालों की रूह कब्ज कर ली जाएगी ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाकी न रहेगा जिसके दिल में जर्र बराबर भी ईमान हो और जिसके दिल में ईमान होगा उसकी रूह कब्ज हो जाएगी और बाकी की रूह कब्ज़ नहीं होगी फरमा अगर तुम यहाँ तक कि तुम अगर मुसलमानों में से कोई पहाड़ के अंदर किसी बहुत गहरी जगह जिसको खो कहते हैं दाखिल होगा वहां भी वो हवा पहुंचेगी और उसकी रूह कब्ज कर लेगी यानी ईमान वालों की एक तरह से हिफाजत हो जाएगी कि उनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी लेकिन बेईमान रहेंगे बदतरीन लोग रह जाएंगे जिनके करतूत बुरे होंगे शरारतों में बढ़ने की तरफ वो परिंदों से ज्यादा उनकी उड़ान तेज होगी दूसरों का खून बहाने और जान लेने में वो दरिंदों जैसे होंगे न भलाई को पहचानते होंगे न बुराई को बुराई समझते होंगे उनका यह हाल देखकर शैतान इंसान इंसानी सूरतों में उनके सामने आकर कहेगा अफसोस तुम कैसे हो गए तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादाओं का ईमान छोड़ बैठे हो तो वो कहेंगे तू ही बता क्या करें यानी शैतान भी उनकी उस हालत पर ताज्जुब कर रहा होगा कि कैसे काम कर रहे हो तो वो उन्हें बुत परस्ती की तालीम देगा और वो बुत पूजने लगेंगे वो इसी हाल में होंगे यानी बुत पूजते होंगे शर फसाद में तेज़ी से बढ़ रहे होंगे सबकत कर रहे होंगे दरिंदों की तरह खून बहाने में मसरूफ़ होंगे उन्हें खूब खाना पीना मिल रहा होगा उनकी ज़िंदगी मज़े की होगी मगर सूर फूका जाएगा फिर तो सब इंसान बेहोश हो जाएंगे जो कोई भी उसे सुनेगा दहशत के सबब हैरान होकर एक तरफ गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा फिर फरमाए जो सबसे पहले उसकी आवाज़ सुनेगा वो होगा जो अपने ऊँटों को पानी पिलाने का यानी वो जो हौदी होती है या हौज़ कहते हैं उसको लेप कर रहा होगा ये शख्स सूर की आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाएगा फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला एक बारिश भेजेगा जो शबनम की तरह होगी उसकी वजह से आदमी उठ जाएंगे यानी कब्रों में मट्टी के जिसम बन जाएंगे जैसे निकलते ना पौधे की सूरत फिर दोबारा सूर फूका जाएगा तो सब खड़े हो जाएंगे ये निशानियां कुछ आपने सुनी अब मैं दो निशानियां बयान करने लगा हूं चूंकि बयान हुई है मगर मेरा दिल नारज रहा है सच्ची बात यह है कि मैं अंदर से कांप रहा हूं आपके सामने बयान कर रहा हूं मुझे नहीं मालूम आपकी कैफियत क्या है मगर एक ईमान वाले के लिए हेला देने वाली बात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनवरा जमीन पर दो ऐसे मकाम हैं कि आसमान वाले भी उस पर रश करते होंगे काबतुल्ला हजर असवद मुल्ताजम मकाम इब्राहिम मताफ सफा मरवा मुजदलिफा ना अराफात हज किया जाता है वो काबा जिस पर हर लम्हे एक सौ साठ रहमतें बरकतें नाजिल हो रही हैं। साठ उसको मिलती हैं जो तवाफ में मशगूल चालीस उसको मिलती हैं जो वहां नमाज में मशगूल, बीस सिर्फ उसको जो काबे को मोहब्बत से देख रहा है उसका बतुल्लाह को गिराया जाएगा हां ऐसे लोग होंगे जो उसका बतुल्लाह को तोड़ेंगे और गिराएंगे क़यामत से पहले ऐसा होगा क्योंकि यह फरमा दिया गया यह जाहिर होना है इस हवाले से आपको बताऊं इमाम हाकिम और अबू याला ने यह हदीस नकल की हजरत अबू सईद रदी अल्लाह त से मरवी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम का इर्शाद कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कोई आदमी बैतुल्ला शरीफ का हज करने वाला नहीं रहेगा सही बुखारी में है हज़रत अबू हरेरा रजी अल्लाह रावी हैं अल्लाह की आता से सब कुछ जानने वाले मेरे प्यारे आका कौन है इनके वाली, वाली वसल्लम ने फरमाया दो छोटी पिंडलियों वाला हबशी यानी वो नीगरो होगा का बतुल्ला को ढा देगा मिशकात शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तनों से रिवायत रसूल पाक सल्लल्लाहु सल्लाम ने फरमाया जब तक हबश वाले तुमसे न लड़ें तुम उनसे न उन लड़ो क्योंकि खाना कबा का खजाना छोटी छोटी पिंडलियों का हबशी निकालेगा तिबरानी में रिवायत उमल मुमिनज़रत सयदा मैमूना रदी अल्लाह तन फरमाती हैं एक रोज नबी करीम वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब दीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा खून बहाया जाएगा ये बरना सवरना जेबो जीनत ज़ाहिर हो बहुत ज्यादा इमारतें ऊंची बनाई जाएंगी यानी ज्यादा जिसको आजकल स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं भाइयों में इख्तलाफ़ पैदा हो जाएगा बैतुल्ला शरीफ को आग लगा दी जाएगी सही बुखारी में हदीस इस अमर का पता चलता है कि क़यामत के करीब ये वाकया रून होगा वो काबा जिसके देखने को हम तरसते हैं जिसका तवाफ करते हुए कितनी रूहानी लज्जत पाते जिसके दर दीवार को चूमना सादत समझते वो जो मकाम शिफा है मकाम रहमत है, उसके चार किनारे और रुकने यमानी से रुकने असवद तक हजरे असवद तक की वो दीवार जिसको मुस्तजाब कहते एक शख्स मुमिन दुआ कर रहा है तो सत्तर फरिश्ते आमीन कह रहे हजारों फरिश्ते आमीन कह रहे हैं वो काबा का दरवाजा मुलतजम जिससे लिपटकर कर हम रोते हैं दुआएं करते हैं वो अल्लाह ताला का घर क्यामत से पहले लोग गिरा देंगे हथोड़े बरसाएंगे उस पर आग लगाएंगे सुनिए ये ना समझिएगा कि अल्लाह बचा नहीं सकता तसवुर भी ना कीजिएगा कि अल्लाह अपने घर को नहीं बचाएगा अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है मगर ये उसकी मशीयत है लोगों के करतूत क्या काबे पर संग बारी नहीं की गई यजीद की फौज ने यजीद के हुक्म से काबे पे पत्थर नहीं बरसाए क्या आग नहीं लगी गिलाफ नहीं जला मदीना मनवरा में मस्जिद नबी और मदीना की तोहिन नहीं हुई अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है मगर ये मशीयत है मैंने आपसे पहले कहा था आप समझ नहीं सकते इस पे बहस ना कीजिएगा ये कुदरत के काम ऐसा होगा लोग ऐसा करेंगे जहन में रहे बचना चाहिए ना ईमान की हिफाजत करनी चाहिए डरना चाहिए मगर ऐसे होंगे और आज भी है आप किसी ऐसे शख्स के सामने कुरान की आयत पढ़े हदीस तो कहेगा क्या मेरे लिए उतरी है मैं ही रह गया हूँ इस तरह के अल्फाज हम कहते हैं ना तो ऐसे होंगे लोग अल्लाह के लिए बचाना कुछ मुश्किल नहीं कुरान में क्या नहीं है वक़्बलू नबी ये नब गक नबियों को ना हक कत्ल किया गया तो ये अल्लाह के बारे में नहीं सोचा जाएगा कि वो नबियों को नहीं बचा सका माज अल्लाह कोई ऐसा सोचेगा ईमान चला जाएगा ये हमारा इम्तिहान है उस वक्त जब काबे की मुआफ़ नहीं थे अल्लाह ही ने अबील भेजे थे आज डेढ़ अरब से ज़्यादा मुसलमान बताए जाते हैं तबला अव्वल क्यों नहीं आज़ाद करवा रहे ये हमारे भी ईमान के मसले हैं हम उन पर तवज्जो नहीं देते तकदीर पर बहस करने लग जाते हैं तो कयामत से पहले काबे को ढाया जाएगा यह वाकया लिखा है और इसके बारे में रिवायतें हैं मैं सब पढ़ते हुए और ज्यादा घबरा रहा हूं लेकिन आपको मैं सुना रहा हूं कयामत से पहले क्या होगा सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ल बिन मसरूद रदी अल्लाह तु से रिवायत के नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लाम ने फरमाया फरमायामत बदतरीन मखलूक पर क़ायम होगी सही मुस्लिम में ही हज़रत अनस रदी अल्लाह तू से मरवी क़ियामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा जब अल्लाह अल्लाह कहने का सिलसिला बंद हो जाएगा कयामत कायम हो जाएगी यानी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा कोई तब कयामत कायम होगी और उस वक्त अगर कोई अल्लाह का नाम वैसे लेता होगा कोई इक्का दुक्का तो ये उससे मुराद नहीं है लेकिन अक्सरियत नहीं रहेगी सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मेरे प्यारे आका करीम सल्लाह वसलम ने फरमाया कयामत के रोज़ ज़मीन एक दस्तरखान की तरह फैला दी जाएगी फिर इंसानों के लिए उस पर सिर्फ कदम रखने की जगह होगी लोग अपने अपने कारोबार में मशगूल होंगे एक शख्स ने गाहक को दिखाने के लिए कपड़े का थान खोला होगा वो अभी मामला भी तय नहीं कर पाया होगा कि कयामत कायम हो जाएगी एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध दो कर चलेगा अभी उसको लेकर जाएगा इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा क़यामत आ जाएगी कोई शख्स अपने हौज़ की जो फाउंड बनाया होगा उसने उसकी पाउंड बनाया होगा मुरम्मत कर रहा होगा उससे फारग नहीं होगा कयामत आ जाएगी कोई शख्स लुकमा उठा लेगा उस सालन में भिगो कर मुँह तक नहीं पहुँचने पाएगा कयामत कायम हो जाएगी यानी कयामत आएगी और उस वक्त के लोग अच्छे लोग नहीं होंगे अब इसमें एक और इशारा भी है कह इंसान यूं समझ कर क़्यामत सर पे खड़ी है मैं गाफिल हूं ये हमारी गफलत के लिए भी पैगाम कि हम सोए हुए हैं क़्यामत अचानक आ जाएगी और इतनी करीब है जैसे लुकमा भिगो के मुंह तक ले जाना तो कितना वक्त लगता है बस इतना ही समझे बच्चा पैदा हुआ कान में अज़ान कही दाएं कान में बाएं कान में इकामत कही नमाज नहीं है जब वफात हुई तो ना अज़ान है ना इकामत नमाज है तो अजान और इकामत के बाद जमात में जितना वक्फ़ा होता है मुख्तर सी जिंदगी है और हमारे पास प्लानिंग्स यूँ करूँगा इतने अरसे बाद यूँ करूँगा इतने अरसे बाद यूँ करूँगा सामान सौ बरस का कल की या पल की खबर नहीं तो कयामत से डरना है उससे पहले पहले अपने ईमान को मजबूत करके सही रख के अपने आमाल को भी दुरुस्त करना है और जो गलतियाँ हो गई उन पे तौबा करनी है ये कारोबार में लगे हुए हैं ख्वाहिशात में लगे हुए हैं और बेपरवाह है कयामत का ध्यान ही नहीं है आएगी पता नहीं कब आएगी इतना करीब समझें उसको और अपनी असलाह करें मुहदसिन ने लिखा है हजरत ईसा सलाम के जानशीन मुकद की मौत के तीस साल गुजरने ना पाएंगे कि कुरान लोगों के सीनों से उठा लिया जाएगा इमाम हाकिम लिखते हैं पहाड़ अपने मरकजों से हट जाएंगे उसके बाद रूहें कब्ज़ होंगी सही मुस्लिम में खुशगवार हवा आएगी जो ममिन की रूह कब्ज़ कर लेगी कोई मोमिन नहीं रहेगा सिर्फ बदतरीन लोग रह जाएंगे और जिस तरह गधे, जानवर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं ये हाल बंदों का हो जाएगा खुल आम अल्लाह की पनाह मुस्ंद अहमद में है कि फिर पहाड़ धुन दिए जाएंगे जिस तरह रूई धनकते हैं ना ये हाल हो जाएगा ज़मीन चमड़े की तरह फैला कर सीधी कर दी जाएगी उसके बाद कयामत का हाल पूरे दिनों की उस गाबन ऊटनी की तरह होगा जिसके मालिक इसके इंतजार में हों कि ये अब बच्चा जनती है या अब जनती है मैंने धुएं का जिक्र किया था सूर्य दुखान की आयत नंबर दस ग्यारह में है उसका जिक्र ये दोनों पर मैंने आपको बताया मोमिन पर भी इसका असर होगा और गैर मोमिन पर लेकिन मोमिन को नुकसान नहीं होगा हजूर अक्रम सल्ला वसलम के इर्शादात आपने सुने हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह तहते हैं एक धुआं उठेगा जो तमाम लोगों को घेर लेगा नेक आदमी का हल्का असर होगा जैसे जुकाम सा हो जाता है मगर यह धुआं काफिर और मुनाफिक के दिमाग में घुस कर उसे बेहोश कर देगा सूर्य दुखान में जिस धुएं का जिक्र है इससे मुराद वो धुआं है जो अलामात क़यामत या दूसरा कोई लेकिन जिस धुएं का जिक्र है इससे क्या होगा ये आपने सोना मैंने आपको सिर्फ इतना कहना है ने करीम सीनों से निकाल लिया जाएगा काबे को ढाया जाएगा क्या कुछ होगा ऐ इंसान तू अजीब मखलूक है अल्लाह ताला तदायत फरमाए मैंने जिक्र करना है अब मदीना मनवरा का जो हमारे सीने मदीना बने हुए हैं उस महबूब तरीन शहर मदीने का इनशा आइंदा नशिस में करूँगा गुफ्तु में मुझसे कोई ग़लती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तोबा करता हूँ आइंदा नशिस में मुलाकात होगी वालेक वरहत ला वर्क